how are you all? I hope you all are fine and great. तो आज की वीडियो में हम पेपर कट करके देखेंगे फ्लावर कैसे बनेगा. तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा पेपर ले लेंगे फुल साइज़ का. उसके बाद उसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर इसी को एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर करके इस तरह से. उसके बाद इसको खोलेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे इक्वल तरीके से बिल्कुल, ताकि तमाम जो कॉर्नर्स हैं वो इक्वल आ जाएं. फिर इसको हम एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर ये वाले जो कॉर्नर्स हैं इनको भी हम एक दफ़ा और फोल्ड कर देंगे बिल्कुल इक्वली. इस तरह से कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. उसके बाद हम जो राइट साइड वाला है उसको राइट साइड पर फोल्ड कर देंगे और जो लेफ़्ट साइड वाला है उसको लेफ़्ट साइड पर फोल्ड कर देंगे, सिर्फ अपनी आसानी के लिए, वरना अगर हम ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं है. बस इस तरह से फोल्ड करने में हमें कट करने में ईजी रहेगा अगर हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया तो. इस तरह से राइट साइड वाला राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगा. उसके बाद हम पेंसिल की हेल्प से जिस तरह का फ्लावर, जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे वो हम बनाएंगे. हम इजी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी ड्रॉ कर सकते हैं. जितना ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना ज़्यादा वो कट होने के बाद प्यारा लगेगा, और अगर हम सिंपल करना चाहें तो सिंपल भी कर सकते हैं. बस हमें कट करने के दौरान ख्याल रखना है कि लाइन पर ही सीज़र हमारी चले. ये जो हम ड्राइंग कर रहे हैं इसके बॉर्डर्स पे ही सीज़र चले ताकि सही से पूरा कट हो. अब हम इसे कट करेंगे. और ये हमारी कटिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है. अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता खोल के देखेंगे